हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपकी एड्रेसिंग मोड क्या होता है, टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड एक्सप्लेन किया जाएगा वन बाय वन करके। फॉर डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यूजीसी नेट के लिए भी आपका एड्रेसिंग मोड यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, व्हाट इज़ एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड क्या होता है, आपका जो इंस्ट्रक्शन है आपके, ठीक है, यहाँ पर मैंने राइट नहीं किया, जो आपके इंस्ट्रक्शन है, जो ओप कोड है एंड ऑपरेंड है, ठीक है, ओप कोड एंड ऑपरेंड, जो ऑपरेंड है वो क्या करता है, हमें किसी भी डाटा पर काम करता है। ऑपरेंड क्या करता है, किसी भी डाटा पर काम करता है, और ओप कोड क्या काम करता है, ऑपरेशन करता है, जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई, जो भी हम ऐड करवाते हैं, जैसे ए प्लस में बी की वैल्यू ऐड करवाई और सी में स्टोर कर दिया, इस टाइप, या फिर आप वेरिएबल में स्टोर करके करवा सकते हो, या आप डायरेक्ट करवा सकते हो। जो हम डाटा पास करते हैं, तो हम ऑपरेंड की बात कर रहे हैं, ऑपरेंड के थ्रू हमारा डाटा पास होता है। जो डाटा हम पास करते हैं वो हमारे या तो मेमोरी में जाता है, सेव होता है, या फिर हम रजिस्टर्स में सेव होता है हमारा, ठीक है। तो उस रजिस्टर्स में जो हमारा डाटा सेव होता है, वो कहाँ, उस डाटा का जो एड्रेस है उसको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, ये हमारा एड्रेसिंग मोड होता है। इन सिंपल लैंग्वेज में बताया है मैंने, जो भी ऑपरेंड में जो बिट्स है, ऑपरेंड में हमारा डाटा किस तरह से स्टोर होता है, बिट्स के रूप में स्टोर होता है, तो उन बिट्स को हम किस तरह से कंसीडर करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, ये हमारा एड्रेसिंग मोड होता है। तो एक बाय एक करके हम एड्रेसिंग मोड हमारे काफ़ी होते हैं, किसी किसी ने 5-6 ही होते हैं, या किसी किसी के लिए हमारे डिपेंड करता है कि कंप्यूटर्स के ऊपर, किसी कंप्यूटर्स में हमारे कम एड्रेसिंग मोड होते हैं, 6-7 ही होते हैं, किसी में 5 ही होते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में 9-10, इस टाइप से होते हैं। तो टोटल हमारे 12 टाइप के एड्रेसिंग मोड होते हैं, एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे इन द इजी वे में। तो फर्स्ट हमारा इम्प्लीड मोड, इम्प्लाइड मोड, या फिर आप इसको इम्प्लिसिट मोड भी बोल सकते हो। इम्प्लाइड मोड में क्या होता है आपका गाइस, जो आपने ऑपरेंड किया है, ऑपरेंड इज स्पेसिफाई इम्प्लिसिटी इन द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो इसमें क्या है, इम्प्लीड में क्या, इम्प्लिसिट में आपका क्या है, क्योंकि इसके अंदर ही आपका हिंट दिया हुआ है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है, उसके अंदर ही हिंट दिया जाता है कि आपका डाटा किस तरह से स्टोर होगा। इम्प्लिसिट का मेन मतलब ये है कि उसके अंदर, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हिंट दिया हुआ होता है कि आपका डाटा कैसे स्टोर होता है, कैसे आपको कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप INCA है, INCA इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, इंक्रीमेंट अक्यूमलेटर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इसमें क्या, इंक्रीमेंट, कि आपको इंक्रीमेंट करना है, जैसे आपने कोई भी वैल्यू ऐड करी, AC इक्वल टू AC प्लस में हुआ, जो भी आपका है उसमें आपको एक प्लस करना है, जैसे एग्जांपल CRC CLA, इन सभी में इनके अंदर हिंट दिया हुआ है आपका, ठीक है गाइस। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आपका सेकेंड एड्रेसिंग मोड, थर्ड एड्रेसिंग मोड, सारे एड्रेसिंग मोड एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल।